ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस शांति स्थल में, पीस पैलेस में, नगर के अति वरिष्ठ प्यारे डॉक्टर भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान है। इस आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है तथा देश एवं विदेश में लगभग 140 देशों में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की ब्रांचेज हैं। लगभग 30,000 टीचर बहनें इस संस्थान में संपूर्ण समर्पित भाव से ईश्वरीय सेवा, मानव सेवा तथा समाज सेवा में रत हैं। इस संस्थान के 5-20 वर्गों के द्वारा मेडिकल विंग, सोशल विंग, एजुकेशन विंग, एग्रीकल्चर विंग आदि 20 वर्गों के द्वारा हर प्राणी को आध्यात्मिक शिक्षा के साथ जोड़ के उनके जीवन में सुख शांति तथा आनंद की अनुभूति कराने के लिए ये संस्थान कार्यरत है। आज़ादी के 75 ईयर्स के उपलक्ष्य में मेडिकल विंगो ब्रह्मा कुमारी राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा आज नगर के सभी चिकित्सकों के लिए होलिस्टिक वेलनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम सबके बीच में परम आदरणीय राजयोगी डॉक्टर प्रेम वसंत माउंट आबू से विशेष आपकी सेवा के लिए पधारे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर प्रेम वसंत जी से, आप मंच पे तशरीफ लाएं। इससे पहले कि आज का कार्यक्रम शुरू करें, आप सबके मनोरंजन के लिए हमारे प्यारे भाई तथा अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर बी सिंह जी यादव एक सुंदर गीत गा के आप सबको आपका स्वागत करेंगे तथा आपको ईश्वरीय स्मृति में की याद दिलाएंगे। डॉक्टर बी सिंह जी यादव, कुछ दिन पहले आप माउंट आबू राजस्थान में योग भट्टी का अनुभव करके आए हैं और इसी बीच आपकी जो कला है उसका भी हमें साक्षात्कार हुआ। आप सुंदर गायक हैं और इसकी शुरुआत आपके गीत के द्वारा होगी। डॉक्टर यादव साहब, ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल द डिग्निटीज, एक्चुअली एस्टीम्ड डॉक्टर्स, जो कि राम प्रकाश भाई जी ने ऑलरेडी ही हैज डन, बट स्टिल वेलकम वंस अगेन बिकॉज इट इज मेडिकल विंग। ऑल्सो वेलकम डॉक्टर प्रेम मसंद, एस्टीम्ड गेस्ट ऑफ द इवनिंग, बिकॉज he is a learned speaker. Earlier also many times we had the chance to listen to him, courtesy Dr. Adarsh Sharma. When we were in Jindal Hospital, so there were many programs actually. Dr. Girish Patel, Dr. Prem Masand also. So without wasting much time, because it's a 3 to 4 minute slot allotted to me, I'll do a medley today. Two lines of two, three songs, so that you people don't sleep. And it is a message conveyed through Baba's songs, which Dr. Prem Masand is of course going to deliver for the next 1.5 hours.
So I'll just start it with the few beautiful couplets. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसे कर्म होंगे वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा फल पाओगे। टू लाइन्स फ्रॉम अनदर सॉन्ग, वेरी फेमस, बीके बहन अश्मिता का गाया हुआ है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा वो खुदा बाबा सबसे बड़ा है। सो दिस इज फॉर यू। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आई वेंट टू मेडिकल भट्टी इन द आबू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ टू अकंपनी द होल टीम। I just happened to walk across Godlywood studio, and then the thought came I should go and see what is going on. I was fortunate enough the director met through some band, and then they allowed me listened audio version, and then they gave me some songs rehearsals, and then second one, third one, after 2-3 rehearsals trial I was able to record one. Uske do line sunaunga. इट इज एक्चुअली मेलोडियस सॉन्ग, तो वो थोड़ा कुमार शानू वाला टिंज में है थोड़ा सा। दम भर भी तुमसे दूर रहना हमको ना मंजूर है, बाबा तू ही जानो जिगर तू ही नयन का नूर है, तू ही नयन का नूर है, दम भर भी तुमसे दूर रहना हमको ना मंजूर है, बाबा तू ही जानो जिगर तू ही नयन का नूर है, तू ही नयन का नूर है, तू ही नयन का नूर है। I think that's all. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव। शांति मिशन हॉस्पिटल के
मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर वीर सिंह यादव जी, बहुत अच्छा नाम आपने चुन के रखा है हॉस्पिटल का। आपके मन में ही पहले शांति का मिशन स्टार्ट करने का भावना है और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ के आपने जो यहाँ शांति का अनुभव किया है वो अपने रोगियों के साथ तथा और जनमानस को शांति की लहर फैलाने के लिए तथा उनको सुख देने के लिए आपने ये भावना सीखी है, ये जो आध्यात्मिक कला सीखी है आपको वरदान साबित होगी, ऐसा हमारा लक्ष्य है। मैं सभा में उपस्थित परमादरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदरणीय रत्ना भारती जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाकी भी सभी वरिष्ठ चिकित्सकगण हम सबके मौजूद हैं। परमादरणीय डॉक्टर प्रेम मसंत जी, हम सबके बीच में बहुत बार इसार में आ चुके हैं, बहुत भाई बहनें परिचित होंगे, कुछ नए भी होंगे। आप 1979 में आपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में एमडी की थी, तत्पश्चात आप 10 वर्ष यूएसए में अपनी सेवाएं देते रहे। पिछले 30 सालों से आप माउंट आबू के ग्लोबल अस्पताल में ऑनरेरी रूप में सेवाएं कर रहे हैं। आप सभी वर्गों में, मीडिया में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तथा मेडिकल एसोसिएशन में तथा राय योगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के सभी संस्थाओं में, आध्यात्मिक संस्थाओं में लगभग 10,000 प्रेजेंटेशंस अब दे चुके हैं। बहुत ही अच्छे कुशल मनोरोग चिकित्सक तथा मोटिवेटर हैं। मैं आपको इस मंच पे सब भाई बहनों के मध्य में आपको इनवाइट करता हूँ। आपका विषय होलिस्टिक वेलनेस है और हम सबको अपने मुखारविंद से हम सबको आगाह करें। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रेम मसंत जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ऑल रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल मेडिकल प्रोफेशनल्स, ईच एंड एवरीवन, जो आज का सब्जेक्ट है वो एक ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग ऑफ आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू। मैं तीनों फील्ड को ब्लेंड करूंगा, कवर करूंगा, और जो लेटेस्ट अपडेट है मेडिकल साइंस में उसको ज़्यादा हाईलाइट करूँगा। विद इन 1 आवर आई विल वाइंड अप एवरीथिंग, फिर जो क्वेश्चन होंगे पूछ सकते हैं। लाइफ इज अ गेम ऑफ 4 R। फर्स्ट R इज रोल, सेकंड R इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड R इज रिलेशनशिप एंड फोर्थ R इज रिसोर्सेस। रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप एंड रिसोर्सेस। आउट ऑफ 4 ऑल आर इम्पॉर्टेंट, चारों R इम्पॉर्टेंट हैं और चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पर आउट ऑफ 4 R आई थिंक द फर्स्ट R, रोल, इज वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर रोल क्लियर है तो कन्फ्लिक्ट नहीं है, रोल क्लियर नहीं है तो डिप्रेशन है, एंड दैट इज वाई डिप्रेशन इज बिकमिंग ए मेजर प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मे बी इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स डिप्रेशन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो जाए, ये प्रिडिक्शंस। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी मेडिकल
प्रोफेशनल्स को भी हम भी इम्पावर होएं और हम अपने आने वाले लोगों को भी, बच्चों को भी इम्पावर करें, क्योंकि आने वाला वर्ल्ड क्या होगा, कैसे होगा, आई कैन नॉट से, बट एवरी सेकंड हम सब एक नोन से अननोन में जाते हैं. अभी नोन है, नेक्स्ट सेकंड अननोन है, क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम. अभी न्यूज़पेपर में यही पढ़ा दो दिन पहले, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर, स्पिनर, लेग स्पिनर डाइड, यंग पर्सन. अब क्या है, क्यों है, क्या फैक्टर्स हैं, अलग अलग हैं, पर टोटल फैक्टर्स जो हैं वो हमें अपने लाइफ में लाना पड़ेगा और हमें अपनी अडॉप्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा. नीड ऑफ आवर ये है, मेरे को अपनी अडॉप्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और मेरी अडॉप्टेबिलिटी अच्छी है तो मैं कोई भी चैलेंज को ठीक से हैंडल कर सकता. चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता, और चैलेंजेस भी सडन आते हैं, पता नहीं लगता, एक सेकंड में चैलेंज आ जाता है, और उस एक सेकंड के चैलेंज को, अननोन को, हम सभी को फेस करना ही पड़ता है, और इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं अपनी अडॉप्टेबिलिटी को बढ़ाते जाऊं. प्रोफेशंस के साथ साथ जो भी हमारा प्रोफेशन है वो हमारी स्किल्स है, पर स्किल्स के साथ साथ हम अपनी अडॉप्टेबिलिटी को बढ़ाएं. अडॉप्टेबिलिटी वन डेफिनेशन इज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन. हमें हर लेवल पर रेडी रहना पड़ेगा. स्किल्स हैं, पर मेरे को अपनी स्ट्रेटजीज को भी डेवलप करना पड़ेगा. स्किल्स 20% सक्सेस देता है, मैं मॉर्निंग में भी डिस्कस कर रहा था, पर स्ट्रेटजीज 80% सक्सेस देता है. IQ 20% सक्सेस देता है, EQ 80% सक्सेस देता है. तो दोनों जब तक हम ब्लेंड नहीं करते, हाई टच, हाई टेक एंड हाई टच दोनों को ब्लेंड नहीं करेंगे, तो आने वाला समय क्या होगा, हीलर्स का, डॉक्टर्स का, वो बदल रहा है. इसीलिए हमें अपने प्रोफेशन में हाई टेक के साथ हाई टच भी ब्लेंड करना पड़ेगा, बिकॉज 1/3 हीलिंग नेचुरल होती है, 1/3 हीलिंग बॉडी अपने आप करती है, रेस्ट इज द रोल ऑफ डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिसिन. और वो जो 1/3 हीलिंग है, हम डॉक्टर्स का रोल है कि हम उनको एक्टिवेट कराएं, उसके अंदर जो छिपा हुआ है एक्टिवेट कराएं. मैं एक बहुत छोटा वीडियो प्ले कर रहा हूँ, एक छोटी बहन आयशा चौधरी का है, उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ, पहले आप सुन लें. My name is Ayesha Chowdhury and I'm 15 years old. I was born with an immune deficiency with a life expectancy of only 1 year. I had to undergo a bone marrow transplant at the age of 6 months. Recently, I've developed a serious illness called pulmonary fibrosis, a hardening of the lung as a side effect of the transplant. And due to my illness, my life has been full of challenges, and I've often felt like I'm in the middle of a shipwreck. And today, I'd like to share with you 5 important lessons I have learned through the ups and downs of my journey. The first lesson is to believe in miracles. Miracles are good things that are unlikely to happen. The chance was 1 in a million. That I would be born immune deficient, and I was. But then a miracle occurred
where there was only 30% chance that I would survive the bone marrow transplant. And I did. But then there was less than 10% chance that I would develop lung issues post the transplant. And I did. And now there's only a 40% chance that my lungs can be cured. And I believe that they can be, because I believe in miracles. The second lesson I learned was you should always live in the moment. This is a picture of me about 6 months ago. You can see that I had an oxygen tube in my nose. Despite it all, I had a huge smile on my face, all because I'm holding my new puppy, Rolo. Each moment I spent cuddling with him, I'd be bursting with joy. And all the pain and the sadness that seemed so overpowering in that one moment just seemed to melt away. If you look at your whole life ahead of you, you will find endless problems that you'll eventually have to face. But if you start to look at life day by day, hour by hour, or even moment by moment, you will find that your happiness will just begin to multiply. When I was just stuck in bed, unable to move, or even go to school, I thought hard about the things that I was able to do. I could sit, and I could put a smile on my face. I wanted to model. I wanted to see what it was all about, to have my picture somewhere out there. You can see on this picture, I'm all dressed up, ready for a photo shoot, even though I'm sitting on that wheelchair and inhaling oxygen. As I sat there and I posed for the camera, it made me forget about all the things that I was incapable of. It was a fun thing for me to do, and it was great to see what goes on in a photo shoot. What I've learned is that you should do what you can instead of feeling bad about the things that you're unable to do. The third lesson I've learned is that in every difficulty, one can always find an opportunity. For the past few years, I haven't been able to attend school regularly like the rest of my friends. And this year, I'm taking math and art as subjects, leaving me with a lot of free time. But in this difficult time, I've managed to find the opportunity to pursue my passion for art. In fact, I found that I've sketched and painted more during my illness as compared to the time when I was well. On this slide are two pieces that I've done recently. It's a portrait of a baby done with dry pastels. It's actually from a photo I took myself at a family gathering. On the right is a piece I've done for the album art for the music that my brother has composed, and his song is called Drowsy Elephants. The fourth lesson I learned was never forget to dream. This is a picture of me in my wheelchair, back when I couldn't even walk two steps. Each night, I would dream. I would visualize what may seem like the smallest of things. I'd imagine myself walking around the market in London with my friend. I'd dream of dancing endlessly at my cousin's wedding. I'd visualize things down to every little detail, the color of my outfit, which song I'd dance to, the setting of the stage, and my family celebrating. I dreamt of running around the garden with my two dogs. I wished that I'd get out of that wheelchair and actually walk to my bathroom. I'd play a movie in my mind of all the things that seemed completely impossible in that one moment. And guess what? I did walk around the market in London with my friend. And I did dance at my cousin's wedding. And I did get out of that wheelchair. And now I get to stand here and talk to you. The power of the mind is limitless. Remember that all things happen twice. Once in your mind
and wants in reality. Finally, the last lesson I learned was that if everything else seems to fail, get a dog. Pets are truly the best medicine. They're known to be extremely therapeutic. I found that Kobe, the Labrador, was extremely empathetic towards my situation. Back in January, when I was unable to walk, Kobe himself became very unwell. His legs trembled and he couldn't walk. I felt that he was mirroring what I had been going through. I was devastated to see him in this way, and I thought something terrible would happen to him. I pleaded with Kobe to walk, and I told him that if he did, then I would try and walk a few steps as well. And by the next day, Kobe was up and about, running around me happily, and I was so delighted to see him like this, because in my heart, I knew that I would get better, just as he did, someday. So as we now know, there's always something in life to sing about, something to be grateful for. I'm grateful for my loving family, my friends, my dogs. In fact, I'm even grateful for the challenges that life has thrown at me, for which I've experienced life with a much greater intensity than I would have otherwise. And I do believe that my soul would have no rainbow if my eyes had no tears. Thank you for listening. लाइफ एक साल मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा, बट शी लिव टिल 1996 बॉर्न हुई, ऑलमोस्ट 18 टू 19 ईयर्स फुली लिव किया. मैसेज इस वीडियो का ये है कि जब हमारे अंदर एक तो बिलीव सिस्टम, फेथ सिस्टम, माइंड बॉडी कनेक्टिविटी क्लियर है, तो काफी चीजें ठीक होना शुरू होती है. दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे अंदर पर्पस है, मिशन है, तो हम ठीक होते जाते हैं. और बिना मिशन के कहीं ना कहीं अटक जाते हैं. तो ऑलवेज कभी भी कोई भी बीमार है, चाहे हमारे हॉस्पिटल में है, हम उनमें मिशन क्रिएट करें. केवल मेडिसिन देना एक पार्ट है, बिकॉज मेडिसिन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट. साइंस डील विथ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट. आर्ट डील्स विथ पेशेंट की पर्सनैलिटी, मेरी पर्सनैलिटी, रिलेटिव्स की पर्सनैलिटी, ये सब आ रहे हैं और इन सब से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ और उन इंटरेक्शन में मैं उनका हीलिंग पावर बढ़ा रहा हूँ. फ्यूचर ऑफ डॉक्टर्स ये है. मेडिसिन का रोल कितना रहेगा वो हम सभी ने कोरोना में देखा. अलग अलग प्रॉब्लम आए, अलग अलग सिचुएशन आई, इवन कई डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम आए, पर अब धीरे धीरे मेन गेम आता जा रहा है मेरी अपनी इम्यूनिटी पर, रेजिस्टेंस पावर पर. अगर मेरी इम्यूनिटी ठीक है, रेजिस्टेंस पावर ठीक है, आई एम गोइंग टू सर्वाइव. कोर ऑफ खेल यहाँ पर आ रहा है कि मेरे को अपना रेजिस्टेंस पावर ठीक रखना पड़ेगा. आउट ऑफ मेनी डिजीजेस, ये मेन डिजीजेस हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर्स, रिसेंटली कैंसर ब्रेस्ट इज बिकमिंग नाउ वन ऑफ द फर्स्ट कैंसर इन फीमेल पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे पर एक इंटरेक्शन था और उसका हाईलाइट ही था ब्रेस्ट कैंसर को कैसे प्रिवेंट करें. बिकॉज मेनी कैंसर वी कैन प्रिवेंट, ऑलमोस्ट
मैं सोचता हूँ 50% कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करें। 8 को महिला दिवस पर बहनों ने उस दिन शाम को वही रखा है, हाईलाइट, वी आर गोइंग टू हाईलाइट ऑन ब्रेस्ट कैंसर। एक लेडी क्योंकि हार्मोनल स्ट्रक्चर लेकर आती है और जितने ऑर्गन्स हैं फ्रॉम थायराइड, ब्रेस्ट, ओवरीज, यूट्रस, पूरा हार्मोन स्ट्रक्चर है, और जो एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा है, न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहीं भी डिस्टर्ब होता है तो प्रॉब्लम शुरू होता है, और उसको हम कैसे ठीक करें वो उस पर हाईलाइट करने वाले। कैंसर और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने कहा, डिप्रेशन। अब डिप्रेशन एक मेजर प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन को मैं सिंपल शब्दों में कहता हूं, मैं जिंदा नहीं हूं, जिंदा होते हुए भी मैं डेड बॉडी हूं। उमंग उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, रिजेक्शन है, एक तरह से एक अननोन नेगेटिविटी आ गई है, और उसको हम कैसे करें। मैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहूं, डिप्रेशन मीन्स बैंकरप्सी ऑफ थॉट्स। थॉट्स ही नहीं चल रहे हैं, मैं क्या करूं, और उसी को हमें ठीक करना। ज्यादातर जो बच्चे कभी कभी काउंसलिंग में आते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, बोलते हैं पॉजिटिविटी करो, ये करो, पर अल्टीमेटली वो कहता है बच्चा, जो ज्यादातर कहते हैं, सर मैं सोच नहीं सकता, आप मेरे बारे में सोचो। अब ये नया ट्रेंड आ गया है कि कैसे हम उनके थिंकिंग पैटर्न को एक्टिवेट करें बचपन से ही। दो शब्द हैं, भाग लो, भाग लो। हिंदी में बड़ा क्लियर है, इंग्लिश में है रन अवे एंड पार्टिसिपेशन। एक भाग लो का अर्थ है डिप्रेशन, एक भाग लो का अर्थ है लाइफ। दोनों में से क्या सिलेक्ट करना है मेरे ऊपर है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है श्रीकांत बोला। मछलीपट्टनम आंध्रा में एक छोटे गांव में पैदा हुआ, एज ए चाइल्ड विजन इम्पेयर्ड था, देख नहीं सकता था, हर दिन गांव से शहर में पढ़ रहा है, अच्छी तरह पढ़ रहा है, टेंथ में भी अच्छे नंबर आए। स्कूल वालों ने कहा हम पढ़ा नहीं सकते, फिर उसने लीगल बैटल लड़ा स्कूल के अगेंस्ट, जीत गया, 12th तक पढ़ाई की, फिर बोला गया हम पढ़ा नहीं पाएंगे। उसने MIT बॉस्टन मैसेच्यूसेट में लेटर लिखा एंड ही वॉज द सिलेक्टेड। MIT में पहला इंटरनेशनल ब्लाइंड चाइल्ड वॉज सिलेक्टेड। वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद दो ऑफर थे कि अमेरिका सेटल हो जाओ या इंडिया हो। उसके पास बहुत ऑफर आए, यहीं सेटल हो जाओ, उसने कहा नहीं, आई विल गो बैक टू इंडिया। हैदराबाद आकर बोलेंट इंडस्ट्री क्रिएट करी, रिसाइकल प्रोडक्ट्स करते हैं, जिसमें कई बच्चे उसने एम्प्लॉयमेंट दिया। ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी के साथ भी लीड इंडिया में पार्ट लिया। अब हम देखें, उसके सामने सब नेगेटिव सिचुएशन थी, 1000% नेगेटिव सिचुएशन थी, देख नहीं सकता, आ रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कुछ नहीं थी, फिर भी वो टॉप यूनिवर्सिटी में, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में एंट्री मारी, जहां से जब बच्चा पढ़ के निकलता है उसको ऑफर रेडीमेड मिलते हैं, करोड़ों के पैकेज मिलते हैं, फिर भी वो इंडिया आया और अपनी कंपनी को डाला। व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स थे जिससे वो टॉप पर चला गया? क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं मेरा स्ट्रेस लेवल ये है, रिसोर्सेस नहीं है, पर उसने अपने रिसोर्सेस खुद क्रिएट करे, जो मैंने कहा रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रिसोर्सेस। हर आत्मा के अंदर रिसोर्सेस हैं, जब वो यहाँ पर पैदा होती है, आती है,
चाहे कोई भी आत्मा है, कहाँ भी पैदा हुई है, उसके अंदर पावर है, पर वो पावर को एक्टिवेट करना उसके ऊपर है, उसके पेरेंट्स के ऊपर है, टीचर्स के ऊपर है, मीडिया के ऊपर है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, क्यों टॉप पर चला गया? बताइए, इंटरेक्ट करें। विल पावर, पॉजिटिव थिंकिंग, चॉइसेस, पैशन, ऑल फैक्टर्स आर देयर। पर सबसे अच्छा उसने जो कहा इंटरव्यू में, मैंने अपने ब्रेन को हार्डवायर कर दिया है। ब्रेन गॉट बिलियन सेल्स, ट्रिलियन कनेक्शन, कनेक्टिविटी इतनी है ब्रेन के अंदर सेल्स की, न्यूरॉन की। अगर वो कनेक्टिविटी पावरफुल हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने बोला अब मेरे लिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरे लिए नेगेटिविटी कुछ नहीं है, मैंने अपने ब्रेन की वायर्स को हार्डवायर कर दिया, मेरे लिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है। वो ट्रेनिंग हमें अपने को और बच्चों को अब शुरू से देना पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड जो आ रहा है, और वो हम सभी देख रहे हैं, कई कंट्रीज में जो परिवर्तन आ रहा है वो आता रहेगा, और इसीलिए बच्चा अगर पहले से ही एम्पावर होगा, वो डिसीशन ले पाएगा, निर्णय ले पाएगा, परखने की शक्ति, पावर टू जज उसका अच्छा होगा तो आगे आएगा। मदर टेरेसा ने जाने के पहले दो बहुत अच्छी चीजें बताई, मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। किसी ने मदर टेरेसा से पूछा, टेरिबल पॉवर्टी क्या है, सबसे खराब गरीबी क्या है? मदर टेरेसा ने कहा, वन, बींग अनलव्ड, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। दूसरा, लोनलीनेस। और हम सभी देख रहे हैं, लोनलीनेस कैन क्रिएट डिप्रेशन, लोनलीनेस कैन क्रिएट मैनी डिजीजेस। लोनलीनेस अब हमारे इंडिया में भी कॉमन हो गया। पहले वेस्टर्न वर्ल्ड का सिनेरियो था, अब हमारे कंट्री में भी आ गया। सीनियर सिटीजन होम्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे वहाँ भी शांतिवन के सराउंडिंग एरिया में सीनियर सिटीजन होम बनाया हुआ है, जिसमें वेटिंग लिस्ट चलती है, पेड है, पे करके आ रहे हैं, फिर भी वेटिंग लिस्ट चल रही है। बताइए क्यों ये सब चेंज आ रहा है? माँ बाप पूरी मेहनत करते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और फिर बच्चे सेटल कहीं और हो गए तो माँ बाप फिर से अकेले। और ये सिनेरियो मैंने कईयों का देखा, बोले अब क्या करें, हमने फैला तो दिया, अब क्या करें? तो ये लोनलीनेस को हैंडल प्रॉपर करना पड़ता है, और हरेक के लाइफ में वो समय आता है, अनलेस उसके बच्चे उसके साथ हैं। तो लोनलीनेस डिप्रेशन को जल्दी लाता है। दूसरा है बिंग अनलव्ड, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, ये बहुत बड़ा सिंगल फैक्टर है। डॉक्टर बर्नी सीगल ने कहा इल, इल का अर्थ उन्होंने बताया ILL। उन्होंने एक बुक लिखी, मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है USA में, बुक का नाम है लव मेडिसिन मिरेकल। उस बुक में उन्होंने बताया हाउ आई ट्रीट कैंसर पेशेंट। इल का अर्थ उन्होंने बताया, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, I lack love। जब मैं खुद को नहीं देखता, खुद से प्यार नहीं करता, भाग रहा हूं केवल, तो जेनेटिक म्यूटेशन होता है। दो इमोशन लाइफ को कंट्रोल करते हैं, फियर एंड लव। फियर एंड लव
दो मेजर इमोशन है पूरे लाइफ को खेलते हैं। अगर फियर डोमिनेंट फैक्टर है तो बीमारी आएगी आएगी, क्योंकि फियर में हमारा ब्लड दोनों लोअर लिम्स में चला जाता है। हमें ब्लड चाहिए जीआईटी में और ब्रेन में, तो हीलिंग हमारा रुक गया, इम्यूनिटी रुक गई और ब्लड कंटिन्यूस वहां पड़ा रहता है, क्योंकि कंटिन्यूस फियर, कंटिन्यूस एंजाइटी, कंटिन्यूस अनसर्टेनिटी, हमारा पंप इधर आ जाता है। ऑलवेज से हमारे दोनों लोअर लिम्ब सेकंड हार्ट है, एक हार्ट इधर है एक हार्ट इधर है। अगर ये हार्ट काम नहीं करेगा तो ये भी काम नहीं करेगा, तो इसीलिए बहुत जरूरी है उस हार्ट को भी काम कराते रहें। जितना चलेंगे उतना ये हार्ट अच्छा रहेगा। तो लव एंड फियर दो बेसिक इमोशन है, दोनों प्रोटेक्ट करते हैं। लव का अर्थ है आई सी माई सेल्फ, हर दिन मैं अपने से बात करता हूं। लव का अर्थ है मैं हर दिन अपने 50-75 trillion सेल से कम्युनिकेट करता हूं। हर सेल जानता है दूसरे सेल में क्या हो रहा है और उनसे मैं कम्युनिकेट करता हूं, बात करता हूं। अब मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा, देखूंगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम तो आएगा। तो पहला काम है रोज सुबह उठकर बिफोर वी स्टार्ट अवर जॉब ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 मिनट 10 मिनट खुद से खुद बैठो, खुद से खुद बैठो और अच्छी तरह बात करो। आई लैक लव, तो अब उसका अपोजिट क्या करना है। यह ब्यूटीफुल एक्सरसाइज एक बहुत फेमस कोरियन स्पीकर है उसने बताई, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। हाथ उठाएं, राइट हैंड ऊपर करें और कहें आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई लंग्स। कोरोना में लंग्स ने एक बड़ी गड़बड़ करी क्योंकि उसको देखना भूल गए। आई लव यू माई नीज, जो ऑर्गन जहां प्रॉब्लम दे रहा है उससे बात करो, उससे लव करो। जो चीज अच्छी लग रही है, जो आयशा ने भी कहा लिव इन मोमेंट। अब खेल ऐसा आ गया है, हर दिन जब सुबह उठते हैं और देखता हूं मेरा हार्ट काम कर रहा है, लंग काम कर रहे हैं, पांव काम कर रहे हैं, थैंक यू गॉड मेरे को आज का दिन दिया, नहीं तो रात को ही पोस्टिंग ऑर्डर दे देता, कहीं और भेज देता। अगर पोस्टिंग ऑर्डर नहीं दिया है, रात को सुबह उठा हूं तो आज के दिन मेरे को फुल काम करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा याद आ रहा है स्टीव जॉब का, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट सीईओ ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 94-95, एप्पल कंपनी को जीरो से टॉप पर ले गया। लोगों ने, ही डाइड ड्यू टू पैनक्रियाटिक कैंसर, लोगों ने उससे पूछा आप अपनी कंपनी को टॉप पर कैसे ले गए। उसने तीन चीजें कही जो मैं भी अप्लाई करता हूं। पहला, हर दिन जब मैं सुबह उठता था अपने से पूछता था अगर आज का दिन दिया गया है तो क्यों दिया गया है और मुझे क्या करना है। अगर आज का दिन दिया गया है तो मुझे क्यों दिया गया है और मुझे क्या करना है। सेकंड, जो भी मैं करता था, जॉब करता था, ऑफिस में जाकर 100% करता था। लव योर जॉब, जो भी कर रहे हो, छोटी बात भी कर रहे हो, 100% करो। मेरे को याद आ रहा है छोटी टेक्नोलॉजी का बड़ा बंधन है, छोटी बच्ची बॉम्बे के प्लेटफॉर्म में फादर के साथ पैदा हुई और वहीं पर पढ़ाई करती थी। शोर हो रहा है, हल्ला मच रहा है, पढ़ रही है, रात को स्ट्रीट लाइट में पढ़ रही है, 10वीं का एग्जाम पास कर लिया,
पहली बार किसी लड़की ने प्लेटफॉर्म से 10वीं का एग्जाम उसकी फैमिली में पास किया। वो इतनी पॉपुलर हो गई कि उसको एक फ्लैट मिल गया 3 साल के लिए और 3 साल के लिए जॉब भी मिल गया। अब आप बताओ वो लड़की को 1000% जीरो रिसोर्सेस स्ट्रेस फिर भी टॉप पर चली गई। लव योर जॉब, जो कर रहे हो जो छोटा काम भी कर रहे हो उसको 100% करो। उस समय मत सोचो मेरा जॉब ये है ये। थर्ड जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लर्न टू से नो मीन्स व्हाट। ये बड़ा टिपिकल कैरेक्टर है, लर्न टू से नो। आज का पहला स्ट्रेस जो आया है, लेटेस्ट आया है, हम जब 70s 80s में करते थे, 80 to 90 में करते थे, स्ट्रेस का कारण अलग था। अब स्ट्रेस का कारण 2020 के बाद बदल गया और पहला कारण आ गया है प्री ऑक्यूपाइड माइंड। माइंड में इतनी फाइलें खुली हुई है, टक 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 टक, क्या करना है क्लियरिटी नहीं। दूसरा, सुबह मैंने डिस्कस किया फोमो, FOMO। फोमो का अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर कोई चाहता है मैं इधर भी जाऊं उधर जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, स्टेटस में दिखते रहूं, मेरा प्रेजेंस दिखे, तो उसी में वो भागता रहता है। तो लर्न टू से नो का अर्थ है जो एरिया मुझे ठीक नहीं लग रहा है वहां नो करिए और अपनी एनर्जी को फोकस करिए। खेल पूरा एनर्जी का है और फोकस का है। अगर मैं अपनी एनर्जी को फोकस कर लेता हूं तो मैं जीत जाता हूं। और वही बच्चों को हमें सिखाना है कि जब वो फोकस करेंगे एनर्जी को, अटेंशन देंगे, तभी वो एरिया सक्सेसफुल होगा। तो लर्न टू सो नो का अर्थ तीसरा है, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मेरे में उनको नो कर रहा हूं। नेगेटिव पॉजिटिव चलते रहते हैं, दोनों चलेंगे, कॉमन है, नेगेटिव फाइल भी है पॉजिटिव फाइल भी है, पर जैसे ही वो फाइल खुल रही है मेरे को प्रॉब्लम दे रही है, उसी समय उसको रोको, स्टॉप करो, रिप्लेस इट बाय पॉजिटिव फाइल। मैंने अपनी बुक में दिया क्राफ्ट, एक शब्द दिया CRAFT। क्राफ्ट का अर्थ है पहला सी है कैंसिल। जैसे ही नेगेटिव थॉट आया, पॉपअप कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसको कैंसिल किया। आर, रिप्लेस इट बाय पॉजिटिव थॉट। कुछ अच्छा उस समय सोचो, आई एम पावरफुल, आई लव माई सेल्फ, आई एम पीसफुल, तो उसको रिप्लेस करो। ए, अफर्म इट, एफ फोकस इट, एंड टी ट्रेन योर माइंड फॉर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। जब तक हमारा माइंड प्रोग्रामिंग उसका सबकॉन्शियस माइंड का पावरफुल नहीं करेंगे तो वो तकलीफ देता ही रहता है। ऐसा देखा गया है मदर के वूम से लेकर 7 साल तक एक आत्मा के अंदर 3 लाख से ज्यादा प्रोग्राम आ जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं, न चाहते हुए भी, अनकॉन्शियसली बाय ऑब्जर्वेशन। उस समय उसका कॉन्शियस माइंड नहीं काम कर रहा, ही इज नॉट इन रियल वर्ल्ड, ही इज इन इमेजिनरी वर्ल्ड, और उस समय वो देखता है सुनता है फील करता है, प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं और वही प्रोग्राम उसकी पर्सनालिटी बनाते हैं। और इसीलिए जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका स्टार्ट कहीं ना कहीं उस चाइल्डहुड से होता है, जो उसका फॉर्मेशन हुआ पर्सनालिटी का, डिनायल का या पॉजिटिविटी का, वही उसके ऊपर एक्ट करता है। इसीलिए जरूरी है बच्चों को भी हम जब कभी भी कम्युनिकेट करें, बात करें,
पॉजिटिव करें, प्यार से करें, सेंसिटिव होकर बात ना करें, उसको एज ए फ्रेंड समझाएं। जो आजकल टीवी पर बहुत अच्छी दो तीन एडवर्टाइजमेंट आती है, बच्ची पढ़ती है फिर फादर के साथ टेबल टेनिस खेलती है, फादर उसको एज ए फ्रेंड समझाता है, खेलता है, तब वो उसकी सुनती भी है। दूसरी एडवर्टाइजमेंट आती है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन की, कोचिंग ज्वाइन नहीं की, सोचिंग ज्वाइन की। अब ये नया ट्रेंड देख रहे हैं, सोचिंग का अर्थ है थिंकिंग, बचपन से ही उसको थिंकिंग हैबिट होगी तो वो अपने प्रॉब्लम खुद ही ठीक कर लेगा, डिपेंडेंट नहीं होगा। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग 1963 में यूके लंदन में उनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ, डॉक्टर्स ने कहा 2 साल 1 साल 3 साल टोटली पैरालाइज, जीरो फंक्शनिंग, व्हीलचेयर, एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिकली, कंप्यूटर पे जो उसको कनेक्ट किया गया था उसके फिंगर्स को उसी से वो फीडिंग करता था, एंड ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और 2018 तक रहा। 1963 में प्रॉब्लम आया, डॉक्टर्स ने कहा 1 साल 2 साल 3 साल, पर 2018 तक रहा। क्या फैक्टर था? ब्रेन सेल्स, फ्यू सेल्स, टोटली लाइक दिस ऑन व्हील चेयर। अगेन मिशन पर्पस ऑफ द लाइफ, जब पर्पस है मिशन है तो सोल खुलती है, और जब सोल खुलती है तो सोल अपनी एनर्जी से काम करती है। ये हमारे शुरू के साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेडिकल साइंस को स्टार्ट किया, डॉक्टर लुईस पाश्चर, डॉक्टर रॉबर्ट कोच, फिर ये नए सेकंड इरा के डॉक्टर्स आए जिन्होंने नई थ्योरीज लाई, जिसमें डॉक्टर डीन ऑर्निश और ब्लेयर जस्टिस, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, ये एक नया साइंटिस्ट आया न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट जिसने पूरी थ्योरी ही गेम को बदल दिया, डॉक्टर कैंडिड सीपर्ट, इसकी बुक भी मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन, उसने टोटल इमोशंस पे काम किया, न्यूरोपेप्टाइड्स पर काम किया, 250 पेपर प्रेजेंटेशन किए, एंड शी यूज्ड टू बी नोन एज मदर ऑफ साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, PNI फील्ड को, माइंड बॉडी मेडिसिन को ऑलमोस्ट स्टार्ट किया। उसने यही कहा जो न्यूरोपेप्टाइड्स हमारे ब्रेन में सीक्रेट होते हैं वो पूरे बॉडी में भी सीक्रेट होते हैं, पर्टिकुलरली हमारी इंटेस्टाइन में भी होते हैं। दैट इज वाई आई ऑलवेज से अवर GIT इज सेकंड ब्रेन, पहला ब्रेन ये है, ये सेकंड ब्रेन है, जो यहां हो रहा है वो यहां आ रहा है, जो पेप्टाइड्स यहां आ रहे हैं वो यहां भी आ रहे हैं। एंड GIT इज वन ऑफ द मेन ऑर्गन फॉर हीलिंग इम्यूनिटी, अगर ये डाउन हो गई तो इम्यूनिटी, और इसको ठीक करना है तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा, और इसको ठीक करने के लिए हमें अपने आप को कुछ पॉजिटिविटी देना पड़ेगी। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने कहा टॉक्सिन्स बॉडी में पैदा होते हैं, म्यूटेशन करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन भी करते हैं। टॉक्सिन कहां से पैदा होते हैं? डाइट, एनवायरनमेंट, और थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया है इमोशन। इमोशन तीनों चीजें टॉक्सिन क्रिएट करती है। टॉक्सिन बाहर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं, मेरे इमोशन चलते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जेनेटिक म्यूटेशन होगा। चलें थोड़ा रिलैक्स करते हैं, खड़े हो जाते हैं, थोड़ा अपने को
ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। Majority common causes for any illness, ये एक pool data है doctors का all over world का, common factors उन्होंने लिए हैं, जिसमें chronic constipation, chronic acidity, lack of sleep, sedentary lifestyle और सबसे important है emotional stress. मेरा अभी तक का जो भी मैंने देखा, इंटरेक्शन किया पर्टिकुलरली कैंसर पेशेंट से, कहीं ना कहीं आउटलेट नहीं है, लैक ऑफ इमोशनल आउटलेट. और ये जब रहता है तो कहीं ना कहीं एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा डिस्टर्ब होता है. दूसरा होता है सप्रेशन. If I am suppressing everything,
आई एम डिप्रेसिंग माई इम्यून सिस्टम. ये $2 million स्टेटमेंट है. लैक ऑफ इमोशनल आउटलेट एंड सप्रेसिंग माई फीलिंग्स इमोशंस. और ये दोनों अगर कंबाइन कर गई, पर्पस नहीं है, मिशन नहीं है, तीसरा कंबाइन कर गया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है. इसीलिए जरूरी है जब हम हील करें खुद को, लोगों को, उनसे बात करें. मेडिसिन के साथ साथ उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं, आउटलेट है, उसको ओपन करें. मैं हमेशा कहता हूँ हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कौन से एरिया में रहती है. विच वन एरिया जहाँ पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होती है. जो मैं राउंड लेता था एज एमएस तीन हॉस्पिटल में, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहती है जब पेशेंट वेट कर रहा है या उसके रिलेटिव वेट कर रहे हैं कि उसकी सर्जरी हो रही है, क्या होगा. या पेशेंट वेट कर रहा है मेरा टर्न कब आएगा और क्या होगा. वहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है. और अगर हमें अच्छा हाई टच और हाई टेक का ब्लेंडिंग करना है तो उस एरिया को इम्प्रूव करिए. हमारी वन ऑफ द चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी अभी नहीं है, दादी जान की, जो 104 इयर्स रही, मैं उनके सीक्रेट देखता था. क्या सीक्रेट है, वो 104 तक भी फुल एक्टिव रही, अवेयर रही. एक बार उन्होंने कहा हॉस्पिटल में जब पेशेंट आते हैं, जब दरवाजे से अंदर करें, एक को जॉब दो, एक को ड्यूटी दो, कुर्सी पर वो बैठा रहे और कुर्सी पर बैठकर मुस्कराए जब लोग आए. कई जगह लिखा तो रहता 100 विद स्माइल, बैंक्स में लिखा रहता है, पर जो नीचे बैठा हुआ है बेचारा खुद ही स्ट्रेस में है. पर एक को ऐसा जॉब दो जो बार बार, मैंने दो टीम तैयार की थी, उन दो का जॉब ही रहता था वार्ड में जाना, घूमना आउट पेशेंट में और उनसे बात करना. केवल उनका काम ही ये था, बात करो. पीआरओ का मतलब ये नहीं कि केवल वो बैठी हुई है, साइन करने लोग आ रहे हैं. उसका काम है वो जाए, मिले लोगों से, बात करे, कनेक्ट करे, कम्युनिकेट करे, वो पीआरओ है. और जितना हम उनको लाइटली कर देते हैं तो उनका हीलिंग पावर भी बढ़ जाता है. अब दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसी डाटा में आए, कि कौन लोग 100 के ऊपर आराम से क्वालिटी का जीते हैं, फुल क्वालिटी की लाइफ जीते हैं. तो ये डाटा में दो चीजें आई, एक आई कनेक्टिविटी और दूसरा आया रिलेशनशिप. अब मैं हमेशा सोचता हूँ दोनों फैक्टर हर जगह इम्पॉर्टेंट है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसकी मार्किंग देखना है, हॉस्पिटल में भी अगर मार्क्स देखना है कि इस हॉस्पिटल को क्या रेट करें, तो पहला फैक्टर आता है कम्युनिकेशन. अगर हॉस्पिटल में कम्युनिकेशन अच्छा है, डॉक्टर्स, नर्सेस, जूनियर डॉक्टर, वार्ड बॉय, आया भाई, सबका कनेक्टिविटी अच्छी है, तो वो हॉस्पिटल जिंदा रहेगा, चलेगा. पर कम्युनिकेशन गैप है जो है हमारे. मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं खुद रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है और प्रॉब्लम कहाँ निकलता है. हमारे कंट्री में अभी भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि तीनों डॉक्टर एक साथ बैठकर पेशेंट को देखें, सर्जिकल, रेडिएशन एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट. जब तक तीनों नहीं बैठेंगे साथ में, तो विच इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट, पॉसिबल ही नहीं होती. और उसके कारण कई तरह के नुकसान देखते रहते हैं. सबसे अच्छा है कि तीनों साथ बैठकर उसका डिसीशन लें कि वेदर दिस कैंसर पहले क्या दें, फिर क्या दें, फिर क्या दें. तो ये मैं उस पर डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ. कनेक्ट
कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. घर में भी रिलेशनशिप अच्छा हो. जिस घर में रिलेशनशिप अच्छा है, वाइफ हस्बैंड बच्चे, वहाँ स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि रिलेशनशिप एक इम्पॉर्टेंट सिक्रीशन क्रिएट करते हैं. एंडोर्फिन्स तो करते ही हैं, डोपामिन सेरोटोनिन भी करते हैं, ऑक्सीटोसिन भी करते हैं. अगर हस्बैंड काम करके आ रहा है घर में, उसको वाइफ वेलकम कर रही है. अगर किसी की वाइफ घर पर ही है, हस्बैंड काम पे जा रहा है, ये भी देखा गया. जिनकी वाइफ बाहर घर के बाहर आकर हस्बैंड को कहती है अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दोनों अगर काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को करते हैं टेक केयर, वहाँ हार्ट अटैक कम होते हैं. अब शुरू में तो क्या होता है, मैरिज में बाहर तक आते हैं, फिर 2 साल हो जाते हैं छोड़ देते हैं. अब रोज ही आ रहा, रोज ही जा रहा. एक जगह मैं पूना में गया था, ये लेक्चर के बाद दूसरे दिन वो व्यक्ति मिला, उनकी 20 फ्लोर है, तो वो मेरे को नीचे मिला. सर आज मैंने एक आपका वाला काम किया. मैंने कहा क्या? मैं जबरदस्ती चाबी भूल आया ऊपर और वाइफ को फोन किया नीचे लेकर आ जा. दोनों की नीड है. मेजर खेल है इसका जो साइकोलॉजिकल गेम है, आई एम नीडेड, मेरी जरूरत है, चाहे वाइफ है चाहे हस्बैंड है. और दोनों उन अपनी नीड को क्रिएट करके रखते हैं तो रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, और दोनों अपनी स्पेस को मेंटेन करते हैं तो वो भी एक हेल्दी रिलेशनशिप होता. बॉडी में 50 to 75 trillion सेल्स हैं, 1.4 वोल्टेज अंदर बाहर है. जीन्स आर नॉट डेस्टिनी, जीन्स कंटिन्यूसली रीमॉडल होते रहते हैं. ये बड़ा सीक्रेट है. जीन जो प्रोग्राम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं, पर जो हमारे इमोशंस हैं, इन जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, रीमॉडल कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर ब्लूप्रिंट. ये टेक्निकल सीक्रेट डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने दिया, और उससे मेरे को काफ़ी सीखने का मौका मिला कि क्या करना है. 1% डिजीज इज जेनेटिक, 99% इज अवर लाइफ स्टाइल. 1% इज जेनेटिक, 99% मैं खुद हूँ. मेरे अंदर कोई जीन्स लेके भी आया हूँ हेरिडिटरी, पर अगर मेरे को पता लग गया कि मेरे अंदर ये जीन्स है और मैं अपने को करेक्ट करके जीता हूँ, वो जीन्स म्यूटेट नहीं होंगे. इसीलिए कईयों में पेशेंट्स में पोस्टमार्टम में कई तरह के ट्यूमर्स मिले, पर क्लिनिकली उनको कभी कैंसर हुआ ही नहीं. तो बॉडी का इतना सीक्रेट है, और अगर उसको हम ठीक से हैंडल करें. अब सबसे इम्पॉर्टेंट नर्व है वेगस नर्व, जो कि बॉडी के कई स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है एंड आवर हार्ट. अब वेगस का स्पेशल सर्किट है ऑक्सीटोसिन सर्किट. वेगस अगर अच्छी है तो ऑक्सीटोसिन लेवल अच्छा काम कर रहा है, और ऑक्सीटोसिन सर्किट तब काम करता है लव केयर गिविंग. अगर मैं लव कर रहा हूँ, केयर है, गिविंग है, लोगों की मदद करता हूँ, तो ये सर्किट काम ठीक करेगा और बीमारी होने के चांसेस कम होंगे. डोपामिन सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. ऑक्सीटोसिन प्रोटेक्ट करता है कई कैंसर से, और वही डिस्टर्ब होता है तो कैंसर आता है. एंजाइटी में हम देखते हैं तीनों लेवल डाउन हो गई, डिप्रेशन में भी तीनों लेवल डाउन हो गए, और जैसे ही हम अपने को प्यार करते हैं तीनों लेवल फुल हो गए. इसलिए बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर खुद को खुद से देखो
बात करो, आई एम गुड, आई एम हेल्दी, हाथ उठाएं और कहें आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल। जो सेल्फ वर्थ को बढ़ाकर रखेंगे तो बॉडी के जो सेल्स हैं वो भी अपनी वर्थ को बढ़ा के रखते हैं। ये अच्छा, दो मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी ब्लड डोनेशन है। किसी को गुस्से से बोला, इरिटेट होकर बोला, अपसेट होकर बोला, खुद भी अपसेट हुए और वो भी अपसेट हुआ। और एक फैक्टर बहुत कॉमन है, जो बार बार इरिटेट होते हैं, अपसेट होते हैं, तो स्टमक भी अपसेट हो जाता है। एसिडिटी, अल्सर, जीआईटी कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, वेरी कॉमन, जो बार बार इरिटेट होते हैं, क्योंकि दे आर रिलीजिंग मोर एड्रेनालिन इन द बॉडी व्हेन एवर दे आर इरिटेट। डॉक्टर कर्नल चोपड़ा एक बार माउंट आबू आए थे, डॉक्टर दीपक चोपड़ा के फादर। लेक्चर के बाद एक ने पूछा, सर मेरे को स्टमक अल्सर है, मेरे को क्या डाइट लेना चाहिए? डॉक्टर कर्नल चोपड़ा ने कहा, यह जरूरी नहीं कि आप क्या खा रहे हो, पर यह जरूरी है कि आपको क्या खा रहा है। तो डाइट का रोल है, पर इतना भी नहीं है जो हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, है। पर जब तक हम खाना प्यार से धीरे धीरे अच्छी तरह खाते हैं तो वो खाना हमें ताकत देगा। अब वही खाना मैं जल्दी जल्दी खा रहा हूं, सर क्या खा रहा, काम निपटा दिया। जब खाना खाना हो एंजॉय करो, मजे से खाओ, धीरे धीरे खाओ, हर डाइजेस्टिव एंजाइम ओरल कैविटी से लेकर चालू हो जाए। और जितना हम प्यार से खाएंगे, और हमारी बहनें कहती हैं जब बना रहे हो उस समय भी प्यार से बनाओ, उस समय भी मेरा मूड ठीक नहीं है और खाना बना रहा हूं तो वो वाइब्रेशन भी जाएंगे, क्योंकि आजकल गेम हो गया है पूरा वाइब्रेशन का, नया थ्योरी आ गया, अब वाइब्रेशन जाते हैं। स्पोर्ट्स पीपल कह रहे हैं आई नीड वाइब्रेशन, फिल्म एक्टर कह रहे हैं आई नीड वाइब्रेशन, हर कोई कह रहा है आई नीड वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन कब क्रिएट होंगे, जब हम खुद पीसफुल हैं, खाना बना रहे हैं, प्यार से बना रहे हैं और बढ़िया बना रहे हैं, धीरे धीरे बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? वीआईपी के लिए बना रहे हैं। एक स्टोरी याद आई, एक टेबल, एक लेडी खाना बना रही है किचन में और टेबल सजी हुई है। उसकी फ्रेंड आती है, कहती है अरे कोई मेहमान आने वाला, आज इतना अच्छा टेबल सजा हुआ, इतने अच्छे बर्तन तूने निकाले हुए, महंगे वाले, कौन आने वाला है? लेडी कहती कोई नहीं आने वाला, मेरे हस्बैंड और बच्चे ही आने वाले हैं और वो कोई वीआईपी से थोड़ी कम है। हम क्या करते हैं, हमारे लोग हैं तो ऐसे ही खाना लगा देंगे, पर कोई आएगा बाहर का तब जाके सजेगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया बनाकर नए तरीके से खाओ। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता, बहनें खिला रही हैं रोज कुछ नया। आज दिन में बनाया पिज्जा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता, बड़ा अच्छा। उन्होंने कहा ये खाओगे, मैंने कहा कुछ नहीं खाना, खाली पिज्जा ही खाना, मैं इंजॉय करूंगा। तो हर चीज को अच्छी तरह हम जब करते हैं, लव से करते हैं, तो वो इंप्रूव होता। स्ट्रेस, स्ट्रेस एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, बॉडी का एक नॉर्मल नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, जिसको कहा गया फाइट और फ्लाइट। बॉडी में कभी भी कुछ चेंज आता है अंदर से बाहर से,
तो वो रिस्पॉन्ड करेगी, एड्रिनल निकलेगा, स्टेरॉइड हार्मोन निकलेंगे और बॉडी तैयार होगी उस पर्टिकुलर इवेंट को टैकल करने के लिए. दूसरा है मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी. अपेक्षाएं बहुत है और रियलिटी कुछ है. दैट इज व्हाई हैप्पीनेस मींस रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन. अगर खुशी चाहिए तो मेरी रियलिटी क्या है और एक्सपेक्टेशंस क्या है. तीसरा है इट इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड रिसोर्सेस. डिमांड ज्यादा है, रिसोर्सेस कम है तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा. ये पूरा इम्यून सिस्टम है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं. अब जो ट्रेड सीक्रेट है ब्रह्मा कुमारी का, जहां जो मैंने सीखा, एक नया फील्ड आया है इपीजेनेटिक्स. इपीजेनेटिक्स डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने इंट्रोड्यूस किया और इस पर अभी काफी रिसर्च है. मैं भी सोचता था पहले कि जीन्स को कौन मैसेज कर रहा है, तू मल्टीप्लाई कर, कैंसर बना. कैंसर इज अनकंट्रोल ग्रोथ, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं. किसने उसको मैसेज दिया? नॉर्मल चल रहे हैं, बन रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बाहर आ रहे हैं. इपीजेनेटिक्स में ये आया कि समथिंग अबो जीन्स, और वो निकला सीक्रेट. डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने भी कहा, ब्रह्मा कुमारी तो पहले से ही कह रही थी, अवर थॉट्स, संकल्प. जो भी खेल मेरे साथ हो रहा है मेरे शरीर में बाहर, उसका कारण मेरे थॉट्स हैं, संकल्प है. जो मैं सोच रहा हूं हर मेरा थॉट बाहर जा रहा है. हर संकल्प एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पैदा कर रहा है थ्रू न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस. माइंड, इंटेलेक्ट, सबकॉन्शियस. मैं हमेशा सिंपल करके इसको ऐसा देता हूं, अवर सॉफ्टवेयर इज देयर एंड हार्डवेयर इज देयर. अवर बॉडी फ्रॉम ब्रेन टू टो इज ए हार्डवेयर. अवर सॉफ्टवेयर इज टी ई ए एम. ये बुक में मैंने दिया, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी. थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी, ये मेरा सॉफ्टवेयर है. जो सॉफ्टवेयर करेगा वो हार्डवेयर में होगा ही होगा. कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं डाइट कंट्रोल कर लूं बाहर से, पर 2/3 तो लीवर बना ही बना रहा है. तो जब तक मेरा सॉफ्टवेयर पावरफुल नहीं है तो हार्डवेयर भी पावरफुल नहीं होगा. इसीलिए वाजोवेगल हार्ट अटैक हम देख रहे हैं, जहां इमोशन ने ओवरटेक किया, हाईजेक किया, हार्ट अटैक आया. वाजोवेगल हार्ट अटैक, वेगस बहुत सेंसिटिव है एंड कोरोनरीज आर वेरी सेंसिटिव. जैसे ही मैसेज गया उसको कुछ नेगेटिव इमोशनल, टक, और हार्ट अटैक हुआ. फिजिकली बहुत अच्छा है, जो एग्जांपल हमने देखा, जिम के बाहर आ रहा है, एक्सरसाइज करके आ रहा है, फिट है, वेजिटेरियन है, वेट ठीक है, सब ठीक है, और बाहर आया तो हार्ट अटैक हुआ, फोन आया और हार्ट अटैक. क्यों हुआ? डाइट तो ठीक था, वेट, बीएमआई ठीक था, वेजिटेरियन था, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक था, मेडिकल चेकअप ठीक था. बिकॉज दिस माइंड टू बॉडी कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर, जहां डिस्टर्ब होता है एकदम मैसेज चालू हो जाता है. थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी, इन चार को ठीक किया तो हार्डवेयर ठीक होगा ही होगा. डाइट कंट्रोल करें, जरूर करें, वॉक करें, जरूर करें, रिलेशनशिप अच्छा रखें, पर मेजर इंपॉर्टेंट है हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक रखें. इसीलिए मैंने बुक का नाम ही दिया पॉजिटिव पावरफुल पर्पसफुल थिंकिंग. जब तक थॉट्स हमारे पॉजिटिव नहीं है, पावरफुल नहीं है,
पर्पस नहीं है तो ब्लैंक गेम खेल रहे हैं। और उसी को जब हम चार्ज करते हैं, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई एम पावरफुल। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और जिस दिन एग्जाम देने चाहे उस दिन माँ बाप उसको अगर प्यार से गले लगाकर कहते हैं, डोंट वरी, आई एम विथ यू, आई लव यू, और कुछ ना बोले, ध्यान रखना ये करना वो करना, ये कुछ नहीं बोले, आई लव यू, बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। गले लगाया, अब तो कोरोना हो गया, लगा सकते हैं, तो एनर्जी सेंटर हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, ये एनर्जी सेंटर है। हाथ पे भी हाथ लगा दिया, डोंट वरी आई एम विथ यू, मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है, मैं हूं ना। अगर ये हमारे पास एक ग्रुप हमने बनाया, उनका काम ही बोलना ये है एक दूसरे को, मैं हूं ना, डोंट वरी मैं हूं ना, और इतना अच्छा चलता है, जिसको जो प्रॉब्लम आता ठीक हो जाता, क्योंकि हर संकल्प पूरे यूनिवर्स में जाता है। अब थोड़ा मैं डीपर ले जा रहा हूं और खत्म करूंगा। हर हमारा संकल्प वाइब्रेट करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ये ट्रेवल करता है, यूनिवर्स की सब आत्माओं के पास जाता है, और फिर जो मेरा प्रॉब्लम है उसका आंसर कहीं ना कहीं से आता है। मेरा काम है केवल उस समय शांत होकर उस वाइब्रेशन को भेजना। मैं फर्स्ट डे पर, मेरे को रिमोट कंट्रोल खोला, मैं चेक कर रहा था उसका सेंसर, जो रिमोट कंट्रोल लाया उसका सेंसर नहीं था, जो दूसरा रिमोट कंट्रोल लाया उसका सेंसर था, वो इतना काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा आप क्या करेंगे, सेंसर तो भूल गया। इतने में डॉक्टर राजेंद्र आ गए मेरे पास, उन्होंने देखा रिमोट कंट्रोल और उन्होंने थोड़ा पुश किया तो वो क्लिप कर गया और सेंसर काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम में खड़ा अभी था ही कि इतने में उसकी एंट्री हो गई। तो जब हम प्रॉब्लम को फेंकते हैं यूनिवर्स में, वो वाइब्रेट करता है लॉ ऑफ इटर्निटी, लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जो काम होना है वो हो ही जाता। और मैंने अभी तक पिछले 5 साल में यही देख रहा हूँ, जो चाहिए वो खुद ही चल कर आ जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो थॉट्स में इतना पावरफुल है, और थॉट्स को ही मेडिटेशन का अर्थ ही है कि अपने संकल्पों को चैनलाइज करना। बेसिक डेफिनेशन अगर मेडिटेशन की लें तो चैनलाइजेशन ऑफ अवर थॉट्स, थॉट्स को कैसे हैंडल करना, कैसे चैनलाइज करना, ये खेल है। और वो सीक्रेट आ गया तो जो फिजिकल प्रॉब्लम है, पावर्टी है, ये है, वो है, ये सब ठीक होना शुरू होते हैं, आंसर आना शुरू होते हैं। मैं लास्ट एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर मार्क, मैंने बुक में दिया ये स्टोरी, बहुत अच्छी लगी मेरे को। डॉक्टर मार्क एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं एक मीटिंग अटेंड करने, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, उनको कुछ फेलिसिटेशन है। सडनली प्लेन में, फ्लाइट में प्रॉब्लम आता है, इमरजेंसी लैंडिंग होती है, बाहर आते हैं एयरपोर्ट पर तो पूछते हैं वो सीटी कितना दूर है, उनको कहा जाता है सीटी 4 घंटे दूर है, बाय रोड जाना पड़ेगा। कार हायर करते हैं, चलाते हैं, आधे रास्ते पे फिर बरसात, आंधी तूफान आता है और उनकी कार रास्ता भूल कर, रास्ता खूब भूल जाते हैं और एक मकान के वहाँ पहुँच जाते हैं। अंदर जाते हैं, देखते हैं एक लेडी अंदर है, उनको बुलाती है और डॉक्टर मार्क को बिठाकर चाय का कप देती है। चाय का कप पीते पीते डॉक्टर मार्क देखते हैं लेडी प्रार्थना कर रही है और एक बच्चा लेटा हुआ है, छोटा बच्चा लेटा हुआ है। प्रार्थना पूरी होने के बाद डॉक्टर मार्क पूछते हैं आप क्या कर रहे हो। लेडी कहती है मेरे बच्चे को
एक ऐसा रेयर कैंसर है, ऐसा डिफिकल्ट कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट केवल डॉक्टर मार्क कर सकते हैं। मैं वहां नहीं जा सकती, मैं भगवान को कह रही हैं डॉक्टर मार्क यहाँ आ जाए, और डॉक्टर मार्क वहां पहुंच गए। ये पावर ऑफ थॉट्स है, वाइब्रेशन है। मैं उसकी रिसर्च में अभी नहीं जा रहा हूँ, PhD। वाइब्रेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है, और जितने हम अच्छा ऑरा और वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो हम अपने को, अपने लोगों को और अपने पेशेंट्स को बेटर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेमसन। आपने सब चिकित्सकों को अपने जीवन के अनुभव के अनुसार जीवन में किस प्रकार हम सुख शांति ग्रहण करें तथा इस भागदौड़ की जिंदगी में सारा दिन हम रोगियों के स्वास्थ्य की चिंता में रहते हैं लेकिन अपना स्वास्थ्य भूल जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने ये बहुत बड़ा अभियान चलाया है कि पीछे जो कोरोना काल आया है या महामारी आई है, बहुत से लोगों ने जान गंवाई है और चिकित्सक वर्ग ने तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए बहुत सेवाएं की हैं, तो संस्था की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि सभी सेवा केंद्र हर अस्पताल में जाएं और जितने भी डॉक्टर्स साहबान पब्लिक सेवा में जुटे हुए हैं उनका सम्मान करें, उनको ब्लेसिंग दें ताकि आपका जीवन भी सुखी रहे। आप समाज के लिए वास्तव में ही भगवान का रूप हैं। इस प्रकार ईश्वरी विश्वविद्यालय ये संकल्प आप सबके लिए रखता है। और आप सब ने देखा ही है कि जब जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, उसकी शक्ति ग्रहण करते हैं, तो वास्तव में ही आत्मा में आत्मा शक्ति चार्ज होती है और हम खुद का भी कल्याण करते हैं, खुद को भी अपना जीवन दिव्य बनाते हैं तथा अन्य आत्माओं को भी वाइब्रेशन देते हैं, जैसे डॉक्टर बसंत जी दे रहे थे। हम उनका भी कल्याण करते हैं। तो हमारा काफ़ी समय से ये विचार चल रहा है कि हमारे नगर में बहुत से चिकित्सक हैं, तो क्यों ना एक बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, इस संस्थान में हो, जिसमें और बहुत अनुभवी डॉक्टर्स, मैंने आपको बताया कि 3000 डॉक्टर्स डेडिकेटिकली इस मेडिकल विंग के साथ जुड़े हुए हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं, तो सभी इसको सबकी चाहना भी है इस प्रकार का कार्यक्रम होता रहे। दूसरा, माउंट आबू में राजस्थान में हम तो उसको मिनी हेवन, पीस पैलेस तथा शांति का एक बहुत बड़ा स्थल मानते हैं। जो जो भी भाई बहनें वहाँ गए हुए हैं, बहुत से भाई बहनें वहाँ जाके आए हैं, उन्होंने अनुभव किया है कि जिस प्रकार की शांति का तथा आध्यात्मिकता का प्रसार वहाँ हो रहा है, हम जाके सीखें और करें। सबको आह्वान है, सबको निमंत्रण है वहाँ जाने के लिए। समय समय पर वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं मेडिकल विंग की तरफ से तथा जनरल योग शिविर कैंप लगते रहते हैं, सभी उसमें जा सकेंगे। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ हम सबको बताया है, कुछ पूछना चाहेंगे तो हाँ, बाइक देना, कोई बात नहीं, जितना भी हो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। हेलो सर, थैंक यू फॉर योर लेक्चर। योर लेक्चर आंसर्ड अ लॉट ऑफ माई क्वेश्चंस, बट स्टिल आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माई लाइफ आई फील ट्रैप्ड इन माई सर्कमस्टांसेज, इन माई सिचुएशंस दैट आई कैन नॉट कंट्रोल, एंड आई एम अवेयर ऑफ दैट फैक्ट दैट दीज थिंग्स आर आउट ऑफ माई कंट्रोल एंड आई डू वॉट एवर इज देयर इन माई कंट्रोल, बट स्टिल आई एम सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ जजमेंट्स पर्सनली एंड प्रोफेशनली, बट because of my habit of being over sensitive I tend to emotionally
make myself mentally weak and I don't know how to overlook the judgments of others. That is my weakness and I really want to overcome that if I want to be successful professionally and personally also. So that is taking a lot of toll on me. जैसा हमारा हायर ब्रेन है, लोअर ब्रेन है, लिम्बिक सिस्टम है. अब क्या हो गया है इस टाइम में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पीपल आर बिकमिंग इमोशनली सेंसिटिव, इवन चिल्ड्रन, बच्चे भी. तो अभी एक ऐसा टाइम आ गया है, मोस्टली लोग चाहते हैं डोंट टच मी, आई एम डोंट टच मी. तो अब इतना सेंसिटिविटी आ गई है बच्चों में भी कि हम उनमें इंटरफियर नहीं करें. अब इसका सॉल्यूशन केवल यही है कि मुझे खुद को ही एम्पावर करना पड़ेगा. मैं भी परफेक्शनिस्ट था, मेरी भी वो थी, पर मैंने देखा उससे नुकसान दूसरों को नहीं, खुद को ही होता है. तो मैंने अपना रीप्रोग्रामिंग किया, चेंज किया, और चेंज से मैंने देखा कि नाउ आई एम बिल्कुल बढ़िया. टाइम 7 बजे है, मैं पहले बिल्कुल 7 यानी 7 और एकदम शुरू, पर अब हो गया ठीक है. जो बहने कहें जितना टाइम बोलें उतना, मैं जितना बोलना उतना टाइम पहले ही फिक्स कर लेगा. तो हमें अपना रीप्रोग्रामिंग करना पड़ता है. दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है लेट गो, रिलीज, जो मैं बार बार करा रहा था कि लेट गो और रिलीज अगर हम नहीं कर सकते तो वो पूरा सप्रेशन होगा और कहीं ना कहीं तकलीफ देगा. सुबह मैंने लॉफिंग थेरेपी कराई. लॉफिंग थेरेपी इसलिए कराई कि थोड़ा रिलीज करें, इजी हो जाए. तो बीच बीच में क्या करें, जब टाइम मिले, नहाने जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, नहा रहे हो, गाओ, गाना गाओ, हंसो, खुद पर हंसो, तो जो अनवांटेड एरियाज हमारे सप्रेस हो रहे हैं वो रिलीज करें, लेट गो करें. बच्चों से बात करो, कभी किससे, हर एक व्यक्ति से कनेक्टेड रहते हैं जो मैंने सीखा, तो कनेक्टिविटी बहुत काम करती है. हमारे यहाँ 500-600 लेबर लेडीज आती हैं, पर्टिकुलरली यंग गर्ल्स आती हैं, और मैं उनको देखता हूँ, आती हैं, मेरे पास ही आएंगी क्योंकि मैं इजी अवेलेबल हूँ, वो दूसरों के पास जाने से डरती हैं. अब मैं, वो मिलती हैं, मैं भी मुस्कराता हूँ, वो भी मुस्कराएंगे, वो ओम शांति करेंगे, मैं भी करूँगा. मैं उस समय ये नहीं सोचता मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं टाइट हूँ, बिल्कुल आराम से, बहुत ओम शांति. तो जितनी हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है खुद से, लोगों से, और दूसरा हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इमोशनली स्ट्रांग होना है, और तीसरा है मेडिटेशन, अपने को एम्पावर करें, बार बार अपने में अफर्म करें कि मैं पीसफुल हूँ, आई एम पीसफुल. कोई भी एक प्रोग्राम लेकर उसको 6 वीक से 3 महीने तक रन करें, और वो ब्रेन हमारा नया प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लेता है. ब्रेन में नया प्रोग्राम बनने में कम से कम 3 मंथ्स लगते हैं. तो अगर मैं अफर्म करता हूँ आई एम पीसफुल, जब टाइम मिला खाना खा रहा हूँ आई एम पीसफुल, टूथब्रश कर रहा हूँ आई एम पीसफुल, तो वो धीरे धीरे मेरा पॉजिटिव प्रोग्राम अंदर चला जाता. और फिर जब वो सिचुएशन आती है रादर रिएक्टिंग आई एम पीसफुल. ईगो जो होता है, जब ईगो सूक्ष्म वाला माइक्रो ईगो हर्ट होता है तो तब रिएक्ट करते हैं. अब उस माइक्रो ईगो को खत्म करना पड़ता है. मैं अपना ही एक एग्जाम्पल, बैठ जाइए आप, बैठिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ. मैं हॉस्पिटल जा रहा था सुबह सुबह 7 बजे क्लास करने के पहले, तो वहाँ लेडी साफ कर रही थी, फ्रंट में पोथा लगा रही थी. अब मैं समझ गया कि वहाँ फार्मेसी में घुसना डिफिकल्ट है, वो तो पोथा लगा रही है, उसको नई, हर समय नए कोई आते हैं, उसको नहीं मालूम कौन है, डॉक्टर है ये. मैं धीरे धीरे यूँ करते करते गया, दवाई लेकर आ गया. उसका मुंह तो थोड़ा हुआ, पर मैंने कहा कुछ नहीं बोलना है कि मैं यूँ, शांत होकर आ गया. बाद में सिस्टर्स ने कहा वो डॉक्टर थे, कोई फिर अब खुद ही कोई वो नहीं करती. तो रिएक्ट कर देता मैं तो मैं मैच हार गया होता. फिर जैसे ही हॉल में गया, एक साथ 2 पेपर आए, जैसे ही हॉल के अंदर एंट्री मारी, उन दिनों में 15,000-20,000 लोग आते हैं, तो वो बैरियर लगाते हैं,
तो हम लोग ऐसे फ्रंट रो में बैठते हैं, तो वो लड़के की एक की ड्यूटी थी, वो भी नए आते हैं बच्चे छोटे, सेवा देंगे। उसने कहा नहीं आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आपको पीछे जाना। मैं शांत हो, मेरे को मालूम है बेचारा, उसको तो कुछ मालूम। इतने में पीछे से कोई आ गया, उसने कहा, और मैं चला गया। अब मैं सोच रहा था एक साथ दो पेपर आ गए, अगर मैं अपने ईगो को लाता हाँ, तो मैच हार गया होता, मैं रिएक्ट कर देता, मैं शांत रहा। तो वो धीरे धीरे हमारी वो प्रैक्टिस आ जाती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरे को रिएक्ट नहीं करना है, एक्ट करना। ये सीख लिया कि किसी भी सिचुएशन में अनवांटेड रिएक्ट नहीं करना है, असर्टिव रहना है, पैसिव भी नहीं रहना है, एग्रेसिव भी नहीं होना है, पर एक्ट करना। तो वो जो एड्रिनल निकलता है, लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, इमोशनल ब्रेन ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया आजकल। क्यों हो गया? हम व्हाट्सएप, कंप्यूटर, ये वो, जल्दी। सबसे बड़ी गलती जो लिम्बिक सिस्टम ज़्यादा ओवर पावर हो गया है, जल्दी करना, इम्पल्सिव नेचर, और उसके कारण ये पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एकदम कांड कर ले, ऊपर तक जाता ही नहीं है नियोकॉर्टेक्स तक, तो वो नीचे ही रिएक्ट करने लगता है। इमोशन मीन्स रिएक्शन, तो हमें धीरे धीरे उसको ऊपर ले जाना पड़ता है। आई एम पीसफुल, तो धीरे धीरे वो हायर नियोकॉर्टेक्स काम करना शुरू करता, फिर वो ही खुद ही कंट्रोल करेगा, खुद ही कंट्रोल करेगा। हम सब पहले इमोशनली थे, मैं भी था, पर अब धीरे धीरे ट्रेन कर दिया माइंड को, तो अब धीरे धीरे मेरे हाथ में आ गया, मेरे कंट्रोल में आ गया कि कहाँ मेरे को एक्ट करना है, कैसे करना है, क्या बोलना। थैंक यू सो मच सर, आई विल रियली ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, एंड इफ आई गेट द गुड फॉर्च्यून टू मीट यू, आई विल टेल यू द रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच सर। लास्ट ओम शांति सर, मैंने जितना भी लेक्चर सुना उसमें मुझे समझ में आया कि पेशेंट के पास मोटिव होगा तो वो ठीक होगा। अगर कोई पेशेंट ऐसा हो जिसके पास मोटिव ना हो, हम भी ना ढूंढ पा रहे उस मोटिव को, तो उसको कैसे क्रिएट किया जाए उसके लिए मोटिव? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी है 60 इयर्स की, उनको पहले सीए सर्विक्स था, शी हैज बीन रिटायर्ड और ऑलमोस्ट 35 इयर्स की उन्होंने जॉब की, उनके पास सब कुछ है, फुल फैमिली, सारी प्रॉब्लम्स कोई वो नहीं है, लेकिन अब वो कहती है कि लाइफ में बचा क्या है, क्या करना है मुझे अब, मतलब सब कुछ है, सब कुछ मिल गया, अब क्या है लाइफ में, क्यों जीना है? और उनको ऑपरेट करके एक्सेंट्रेशन हो गया, अब उनको रीअकरेंस हो गया, तो अब वो कहते हैं अब मुझे जी के क्या करना है, छोड़ दो, जीने दो, मतलब जाने दो अब मुझे, तो वो मोटिव कैसे क्रिएट किया जाए उनके लिए? करेक्ट। मैं इससे एक छोटी स्टोरी देता हूँ। ऐसे ही वो ओल्ड लेडी का था, क्या करूँ मैं तो अब ओल्ड हो गई हूँ, क्या करूँगी, तो मैं जीने से क्या फ़ायदा। तो वो जा रही थी, तो इतने में एक छोटी बिल्ली उसके पाँव पर आकर घूमने लगी। वो छोटी बिल्ली को घर पे ले आई, उसको केयर देने लगी, धीरे धीरे उससे इतनी उसकी दोस्ती हो गई कि वापस उसमें जीने की इच्छा आ गई। अब मेरा एक पेशेंट था सीए ब्रेस्ट स्टेज 4, हमारे पास आई, काफ़ी 93-94 की बात। हम लोगों ने सोचा क्या करें, पूरा फिक्स मास है, मैट्स हैं लंग्स लीवर में, कीमोथेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकती, सर्जरी कर नहीं सकते, फिर भी उसने कहा आप कुछ करो। हमने सिंपल उस समय कीमोथेरेपी CMF दी, 2 साइकिल में उसको काफ़ी असर आने लगा, मैट्स भी कम होने लगे, मास भी डिजॉल्व होने लगा। मैंने ऐसे ही उससे पूछा आपके अंदर क्या है, मेरे को भी आश्चर्य लगा। तो उसने कहा मेरी लड़की है 17 साल की, जब तक उस 18 साल की, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी मैं मरने वाली नहीं। और उसने शादी कराई, 2 साल जी शादी कराई, जैसे ही शादी पूरी हो गई फिर से मैट्स स्प्रेड हुए एंड शी डाइड। अब अपना काम है उस सोल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज देना
कि आप इम्पोर्टेंट हो, आप कईयों की मदद कर सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट देना। हर एक आत्मा का अपना रोल है और वो हमें क्रिएट करना पड़ता है। वो तो क्योंकि पूरा हो जाता है उनका कि हम जी लिए, पर हमें उनको क्रिएट करते रहना पड़ता है। दो तीन सिटिंग में वो चीज़ पकड़ाई में आती है। कम से कम दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दो, कम से कम मुस्करा कर दूसरों से मिलना शुरू करो, वो लोग ठीक होंगे आपके कारण। तो कुछ ना कुछ हमें क्रिएट करते रहना पड़ता है। बात करने से, कम्युनिकेशन से, डायलॉग से वो चीज़ पकड़ाई में आती है। एक सिटिंग में नहीं आती है, कभी कभी चार पांच सिटिंग करना पड़ती है उस चीज़ को निकालने के लिए। उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बच्चे फैमिली क्या थी, तो कहीं ना कहीं वो खुलेगी, ओपन अप होगी। ऐसी कोई आत्मा नहीं जब वो ओपन नहीं हो, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक रहती है, जो ट्रॉमा या जो भी हुआ उसका, वो ब्लॉक कर देती है अपने को। उसको हमें खोलना पड़ता है और वो खुलती है। मैंने अभी तक देखा, हमारे पास तो ब्रेस्ट कैंसर इज नंबर वन कैंसर, काफ़ी आते हैं, तो मेरा उनसे जितना डायलॉग रहता है, वो भी स्टेज फोर, अब क्या करें, तो कुछ ना कुछ उनमें क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि वो आगे बढ़ें। हमारा मेन जॉब ही वो है, ड्यूटी वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि वो क्रिएट करना उसमें, और फिर ट्रीटमेंट देना। जो डॉक्टर बर्नी सीगल ने अपनी बुक में लिखा कि जब मैं उनको ट्रीट करता था तो पहले बताता था कि रेडिएशन आ रहा है, आपके कैंसर सेल्स पे जा रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, आप उनको डायरेक्शन देता था, विजुलाइजेशन इमेजिनेशन देता था। तो ऐसे हम भी केवल ब्लैंक रेडिएशन और सर्जरी नहीं करते, वो तो एक कॉमन चीज़ है, मैं उसको नहीं समझता, पर जब तक उसमें वो क्रिएट नहीं करेंगे, और फीमेल में तो आता ही आता है, बिकॉज फीमेल इज ए एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, पूरा उसका खेल एंडोक्राइन का रहता है, तो वो एक्टिवेट होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेल में टाइम लगता है पर फीमेल में तो आएगा ही आएगा, बिकॉज शी इज टोटली एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट से लेके ओवरी, थायराइड, यूट्रस, टोटल। और टोटल इसके प्रॉब्लम मैंने देखा 90% इज इमोशनल ब्लॉकेज, क्योंकि वो डिस्टर्ब हुआ, इस्ट्रोजन डोमिनेंट हुआ तो ये हुआ, फाइब्रॉइड हुआ, सिस्ट हुई, ये सब इस्ट्रोजन डोमिनेंट से होता है, और वो होता ही तब है कि कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुई है अंदर ही अंदर। करते रहना आप मेहनत, थैंक यू, कभी डायलॉग कर लेना मेरे, आप ये किताब रख लो, आपको गिफ्ट देता हूँ, आइए मैडम, आपको भी देता हूँ मैं वहाँ से, मेरे पास एक ही थी, देता हूँ मैं वहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेम सिंह जी, ऊपर आ जाइए, लीजिए सर, थैंक यू। हम सबके प्रमुख परम आदरणीय डॉक्टर रत्ना भारती जी सीएमओ हिसार मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि अपने ग्रीटिंग्स इस सुंदर माहौल पे, आपका इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहुत प्रेम है, मैं निवेदन करूंगा, दो मिनट के लिए, बस दो मिनट ग्रीटिंग आई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस शुभ अवसर पर मैं हिसार के सभी डॉक्टर्स की तरफ से डॉक्टर प्रेम मसंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और दीदी का भी करना चाहेंगे। हमें इनके करीब हमारा कोविड वैक्सीनेशन लेकर आया, और आज हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हमने आपसे इतना अच्छा लेक्चर सुना, और ये एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वेव्स लाने के लिए
बहुत ही एक सुनहरा मौका बनेगा हमारे आने वाले समय में, क्योंकि हम सब बहुत स्ट्रेस्ड हैं और स्ट्रेस तो आ ही जाती है, लेकिन इस अगर हम इसी को वापस से रिकैपिचुलेट करेंगे तो पॉजिटिव वेव्स भी उसी समय हमारे साथ चल सकती हैं। तो सभी डॉक्टर्स की तरफ से सर बहुत ही आपका ये जो हमें यूज़फुल लेक्चर, और हम माउंट आबू भी आना चाहेंगे, बहुत समय से हम प्लान भी कर रहे हैं, लेकिन मौका जैसे मिलेगा हम वहाँ भी आएंगे। और इससे शब्द नहीं है कि सर आपकी नॉलेज के आगे हम कुछ कहें, बट रियली ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आज का, और भी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सीएमओ मैडम। अंत में मैं डॉक्टर संदीप सूरी से कहूँगा कि वोट ऑफ थैंक्स सब डॉक्टर्स का करें, सब प्लीज़ दो मिनट आइए। डॉक्टर संदीप सूरी बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं राजयोग का, तपस्या का। अनुभव तो आपका बहुत बड़ा है, लेकिन हम केवल सबका धन्यवाद करेंगे, और आपके ही पुरुषार्थ से, आपकी मेहनत से आप सब यहाँ पे आए हैं। मैं आपका ओम शांति। इतना बढ़िया, इतना अच्छा हमने लेक्चर सर से सुना, डॉक्टर प्रेम बसंत सर से, और रोज उसी तरह एक एक शब्द डॉक्टर साहब के अब हमारे अंदर जाके अपना घर बनाएंगे, और हो सकता है सुबह से हम जिस तरह से काम करेंगे अपना, तो बहुत एक इस आत्मिक ज्ञान से अपने आप को बहुत चेंज समझेंगे। तो इन्हीं शब्दों से मैं थैंक्स करता हूँ सर का और आप सभी का, और खैर भोजन के लिए थैंक यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बहुत ही प्यार से तपस्या में रह के, योग में रह के ब्रह्मा भोजन तैयार किया है, सभी उसका स्वीकार करेंगे बाहर लान में। और एक अनाउंसमेंट और कर दें, परसों मंगलवार को महिला दिवस है, नगर की तमाम महिलाओं को तथा भाइयों को भी इनवाइट किया गया है शाम को 7 to 8:30 तक। यू आर आल्सो कॉल्ड इनवाइटेड टू अटेंड दैट, शाम को 5:30 to 7:30 जी जी, एनी बॉडी कैन कम। थैंक यू, सभी भोजन के लिए चल